में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मुरादाबाद दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रतिज्ञा रैली में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। सीएम चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रतापगढ़ी मुरादाबाद दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। प्रतापगढ़ी अजय कुमार लल्लू भी रहेंगे मौजूद। मुरादाबाद दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। प्रतिज्ञा रैली में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। सीएम चरणजीत चन्नी, भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। प्रतापगढ़ी अजय कुमार लल्लू भी रहेंगे मौजूद। मुरादाबाद दौरे पर जाएंगी प्रियंका। प्रतिज्ञा रैली में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। प्रतापगढ़ी अजय कुमार लल्लू भी रहेंगे साथ में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तीनों कृषि कानूनों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि कानूनों का हुआ बिल रद्द। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद रद्द हुआ बिल। तीनों कृषि कानूनों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, कृषि कानूनों का बिल रद्द हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद रद्द हुआ बिल। तीनों कृषि कानूनों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया हस्ताक्षर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देंगे योगी। मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे सीएम योगी। सीएम आवास से ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। छात्रों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे योगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देंगे योगी। मेघावी छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे सीएम योगी। सीएम आवास से ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। छात्रों के साथ वर्चुअल संवाद भी करेंगे योगी। ललितपुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। उदय रथ यात्रा लेकर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। किन्नौर बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। बानपुर में महाराजा खेत सिंह की प्रतिज्ञा का करेंगे अनावरण। ललितपुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचेंगे अखिलेश। किन्नौर बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। बानपुर में महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। ललितपुर जाएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचेंगे अखिलेश। किन्नौर बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, बानपुर में महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अंशुल द्विवेदी संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंशुल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अखिलेश के दौरे से संबंधित? शिखा जी, आपको बता दें जो ललितपुर का गिन्नौट बाग है, आज दोपहर में 1 बजे वहां पर अखिलेश यादव आएंगे और गिन्नौट बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो मेहरौनी के थाना बानपुर अंतर्गत जो बीर गांव है, महाराजा खेत सिंह की जो मूर्ति है, प्रतिमा का, वो वहां पर अनावरण करेंगे। इसके बाद वो आज शाम झांसी पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। अब ये जो विजय रथ यात्रा है वो यहाँ से आगे कहाँ जाने वाली है? जी, यहाँ ललितपुर के बाद रात में अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा झांसी पहुंचेगी। आज रात अखिलेश यादव झांसी रुकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अंशुल द्विवेदी जुड़े थे। लखनऊ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद।
विवेकानंद हॉस्पिटल के पास हुआ युवक पर हमला। दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, बंदूक की बट से युवक को घायल किया। घायल युवक बलरामपुर अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विवेकानंद हॉस्पिटल के पास का मामला, जहां युवक पर किया गया हमला। दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, बंदूक की बट से युवक को किया घायल। घायल युवक बलरामपुर अस्पताल में भर्ती, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे लखनऊ में, विवेकानंद हॉस्पिटल के पास युवक पर हमला। दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर दौरे को लेकर दी जानकारी। पश्चिम यूपी के विशेष दिन, सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करूंगा। योगी सरकार संकल्पित भावना से काम कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर दौरे को लेकर दी जानकारी, लिखा पश्चिम यूपी के लिए विशेष दिन। सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करूंगा। योगी सरकार संकल्पित भावना से काम कर रही। अमित शाह ने ट्वीट कर सीएम योगी की तारीफ की है, साथ ही सहारनपुर दौरे को लेकर जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम यूपी के लिए विशेष दिन। सहारनपुर दौरे पर जाएंगे अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। सहारनपुर दौरे पर जाएंगे अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। सहारनपुर दौरे पर जाएंगे अमित शाह, उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह, सीएम योगी भी साथ में रहेंगे मौजूद। जनसभा को संबोधित भी करेंगे शाह योगी। सहारनपुर दौरे पर जाएंगे अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता को बड़ी सौगात देने वाले मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहेंगे मौजूद। जनसभा को संबोधित भी करेंगे अमित शाह और सीएम योगी भी संबोधित करेंगे जनसभा को। सहारनपुर दौरे पर जाएंगे अमित शाह, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। सहारनपुर दौरे पर जाएंगे अमित शाह, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां साथ में उनके सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सोहेल गौड़ जुड़ चुके हैं। सोहेल, क्या कुछ जानकारी आपके पास अमित शाह और सीएम योगी के दौरे से संबंधित? जी बिल्कुल शीशा, मैं आपको बता दूं, ये मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का जो है आज शुभारंभ शिलान्यास करने के लिए जो है सहारनपुर अमित शाह जी आ रहे हैं, जिनके साथ जो है सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। और ये जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा सहारनपुर पे आएंगे और उसके बाद जो है ये 1 बजे शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। जी सोहेल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सहारनपुर में बीजेपी का इतिहास कैसा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, यहाँ बीजेपी का इतिहास काफी पुराना है। बीजेपी के यहाँ सांसद रहे थे, तो 2019 जो है सांसद बनने के बाद जो है विधायक सीट यहाँ पर खाली हुई थी, जिसमें उपचुनाव में जो है विधायक भी यहाँ पर जो है बीजेपी के ही रहे थे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। सुपर कमासी संवाददाता सुधीर गौर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।